एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी मीडिया में पुतिन के परमाणु हमले को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। खबरों की माने तो पुतिन को जब से पता चला है कि नेटो और अमेरिका के इशारे पर वैगनर ग्रुप के पुतिन के खिलाफ बगावत की है, तब से पुतिन बेहद गुस्से में, और पुतिन ने इशारा किया कि अब परमाणु जंग कभी भी करनी पड़ सकती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी माना है कि पुतिन के परमाणु हथियारों का खतरा अब वास्तविक रूप ले सकता है, यानी परमाणु जंग कभी भी छिड़ सकती है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर पुतिन परमाणु हथियारों से पहले हमला कर देते हैं तो फिर ऐसे हालात में नेटो और अमेरिका क्या करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या डर सता रहा है? व्हाइट हाउस में खौफ का क्यों प्रसारण हो रहा है? व्हाइट हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडेन को क्या दिखाया जा रहा है? बाइडेन को ये क्यों दिखाया जा रहा है? क्या अमेरिका पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है? क्या अमेरिका पर हमला होने वाला है? आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेसिडेंट क्यों डरे हुए हैं? बाइडेन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे हैं? जवाब है, बाइडेन को डर है कि पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। बाइडेन का कहना है कि पुतिन के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा वास्तविक है। परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं, ये उनकी धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं। यूक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइलें मिलेंगी, रूस खतरे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। रूस ने यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणु हथियार उतार दिया है। रूस परमाणु हथियारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ यूक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं, और उनके उत्तर पश्चिम में पोलैंड के पास रूस के किलिनिनग्राद में भी परमाणु हथियार मौजूद है। पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को डर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं, इसलिए पुतिन ने पड़ोसी देश बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात किया है ताकि वो आसानी से यूरोप के किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सके। बढ़ा परमाणु फीवर। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बाइडेन को लगता है कि पुतिन की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है और वो यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हट रही है, जिससे बौखलाए पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। परमाणु हमले का विकल्प नंबर एक। परमाणु हमले का विकल्प नंबर दो। परमाणु हमले का विकल्प नंबर तीन। परमाणु हमले का विकल्प नंबर चार। परमाणु हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तेमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी।
अगर न्यूक्लियर वॉर का नंबर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। उस परमाणु युद्ध के आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रेट मीटिंग नहीं होती। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडेन प्रशासन अपने एटम बम वाले दुश्मनों पर मंथन नहीं करता। बाइडेन के ऑफिस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति पर चर्चा तो होती है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमाणु युद्ध करेंगे तो उसे 3 चरण में अंजाम देंगे। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 1, परमाणु परीक्षण। यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है, परमाणु परीक्षण। परमाणु वैज्ञानिकों का कहना है कि पुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भरने के लिए एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस ने अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। परमाणु परीक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था। जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु परीक्षण के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं। दुनिया में अब तक 2,059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1,030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए हैं। 715 न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणु परीक्षण करने वाला देश है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अगर रूस का ये दांव काम कर गया और ज़ेलेंस्की हथियार रखने को मान गए तो ठीक, नहीं तो रूस परमाणु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 2, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम। यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे परमाणु बम होते हैं जो बड़े परमाणु बम के मुकाबले कम दायरे में रेडिएशन फैलाते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की तरह ही करेगा। ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज कम होगी। रूस के पास करीब 2,000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1,000 टन विस्फोटक TNT के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद्ध ही ठाना, तो फिर पुतिन परमाणु युद्ध के आखिरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 3, परमाणु बम से हमला। रूस का परमाणु बम यूक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काली हो जाएगी, यहां तक कि सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। अगर पुतिन यूक्रेन पर बड़े परमाणु बम से हमला करते हैं तो ये जंग
कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नेटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नेटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है, ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है जार बम। जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। जार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरह पेश किया गया। कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धरती का जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा। यह हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है। रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था, लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने 60 बरस बाद दुनिया को दिखाया। ये वही वीडियो है। जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया। परमाणु हथियार, खासकर परमाणु मिसाइलें, लड़ाकू जहाजों में रखी जाती हैं। लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। 30 अक्टूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया। लड़ाकू जहाज टोपोलोव 95 ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट से जार बम को नोवाया जेम्लिया द्वीप पर गिराया, ताकि विस्फोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरें ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुंच जाएं। रूस के मुताबिक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया दहल उठी। दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉय परमाणु बम से 3,333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम।